हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ हमारा देसी चाइनीज़ चिकन हक्का नूडल्स। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हक्का नूडल्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं ड्राइड नूडल्स, इन्हें हमें बॉईल कर लेना है। सब्जियों में मैंने ली है गाजर, इसे मैंने चॉप कर लिया है। ये शिमला मिर्च लिए है हरी वाली, और ये स्प्रिंग अनियंस मैंने लिए हैं, इन सबको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक प्याज लिया है मैंने बड़ा, उसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये थोड़ी सी क्रश्ड गार्लिक, जिंजर, स्लिट की हुई हरी मिर्चें और धनिया लिया है मैंने। ये मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है नमक वाले पानी में। और ये हमने दो एग्स लिए हैं, इसे हमें फेट लेना है, विस्क कर लेना है। इस तरह से मैं इसे विस्क कर रही हूँ अभी। तो ये दो अंडे हैं, और इसके साथ हमें लेना है नमक, ये है अजीना मोटो जिसे हम कहते हैं MSG, और ये है वाइट पेपर पाउडर। इसके साथ हमें लेना है रेड चिली सॉस, विनेगर, डार्क सोया सॉस। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हमारे नूडल्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो पानी है वो गर्म करने रख लिया है एक बर्तन में, जिसमें हम हमारे नूडल्स ऐड करेंगे। तो अब पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है, तो मैं इसमें नूडल्स ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए फ्रेंड्स। तो अब हम नूडल्स को अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, नूडल्स ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे बंद कर देंगे फ्लेम को। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, वरना नूडल्स एकदम ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और वैसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम इसे बाद में भी कुक करने वाले हैं। तो अब मैं एक स्ट्रेनर के हेल्प से इसका सारा पानी निकाल लूँगी, और नूडल्स को ड्राई होने के लिए थोड़ा सा रख दूँगी। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, तो उसमें हम 4 से 5 स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें सबसे पहले हमने जो लहसुन चॉप करके रखी हुई थी, गार्लिक जो चॉप किया था, वो ऐड कर रहे हैं। हम गार्लिक को थोड़ा सा हल्का सा लाल होने देंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। फिर इसमें हम आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो आप इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपकी रेसिपी भी हमारी तरह बहुत अच्छी बने और आपके कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस ना हो। तो अब इसमें मैंने जो हमने जिंजर चॉप करके रखी थी, अदरक, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसे चॉप भी कर सकते हैं, हल्का सा खींच भी सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको जो जिंजर है वो मुंह में ना आए, वैसा नहीं पसंद, तो आप इसे ग्रेट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जिंजर और गार्लिक अच्छे से भुन चुकी है, अच्छे से हो पक चुकी है। तो अब इसमें हमने जो हमने एग विस्क करके रखा हुआ था, अंडे जो हमने फेंट लिए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो गैस का फ्लेम जो है एकदम लो पे है फ्रेंड्स, तो अभी हमें अंडों को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, और हमें इसे बेसिकली फोल्ड लेना है। जैसे हम भुर्जी बनाते हैं, एग भुर्जी, तो हम अंडों को पूरी तरह से मैश कर लेते हैं, तो उसी तरह से हमें अंडों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो इसीलिए मैं कंटिन्यूसली इसे चलाते रहूँगी, और लो पे रखिएगा एकदम से फ्लेम को, थोड़ा भी हाई नहीं होना चाहिए। तो अब जब अंडे अच्छे से मैश हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं आगे के इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अनियन डालूँगी, और मैं इसमें जो हमने हरी मिर्ची स्लिट करके रखी थी, बीच में से कट कर ली थी, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से भून लूँगी, ताकि प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए, अच्छे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही फटाफट भी बनती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अनियन अच्छे से भून रहे हैं, साथ में अंडे भी अच्छे तरह से पक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अनियन हल्के से अनियन का कलर चेंज हो चुका है, हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, पिंकिश हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें सारी सब्ज़ियाँ जो हमने ली थी वो डाल रही हूँ, और सब्ज़ियाँ डालने के बाद हमें सब्ज़ियों को अच्छी तरह से पकाना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें जो हल्का सा क्रंच होता है सब्ज़ियों का वो चाहिए। और इसमें मैंने जो बॉईल किया हुआ चिकन हमने लिया था वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर लूँगी पाउडर्ड वाले, तो जो सॉल्ट और हल्का थोड़ा सा MSG हमने जो ऐड किया है, और वाइट पेपर पाउडर। तो अब मैं ये सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। सब्ज़ियों का जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है अपने आप, तो आपको अलग से पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें एक चम्मच भर के रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, और साथ में आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी, और एक चम्मच पूरा भर के मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और ये सब ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स सब्जियों पे भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी, ये जो हमारा देसी स्टाइल चाइनीज़ है वो बनने वाला है, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। अब जो नूडल्स हैं हमारे वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया जो कटा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नूडल्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और नूडल्स ऐड करने के बाद हमें इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि नूडल्स पे भी हमारा सारा मसाला और नूडल्स में सब्ज़ियाँ वगैरह सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो चम्मच की हेल्प से मैं इसे चला रही हूँ, इसे ऊपर नीचे ऐसे मिक्स करते हुए मैं पूरी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप भी इसे ज़रूर इसी तरीके से घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ अभी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो MSG ऐड किया है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे मैंने बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में ऐड किया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि हम इसे बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खाते। हम ये वंस इन अ वाइल बनाने वाली रेसिपी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी सब नूडल्स को सब्जियों के साथ वगैरह मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब बस हमारे नूडल्स रेडी है। तो अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। आप जब हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ये भी शेयर कीजिए कि आपको किस टाइप की रेसिपीज़ देखनी है, और हम आपके लिए वो रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।